गुरुग्राम में लोगों को सड़क हादसों से बचाने और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया, जिसमें आपको बता दें कि कई तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और यातायात नियमों की जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी। तख्तियों पर तमाम संदेश और लोगों को सुरक्षित बनाने की मुहिम के साथ गुरुग्राम में कोर्ट परिसर से रोड सेफ्टी अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर गुरुग्राम सेशन जज भी शामिल हुए और यातायात नियमों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। हम गुड़गांव जिले में एक ऐसी कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसमें ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस करनी है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस करनी है और कुछ खास बातें हैं जैसे लोगों में बचाना है मैसेज। जैसे ये धर्मवीर भाई अकेला लगा रहता है, तो ये जो मैं जो आज आपके माध्यम से गुड़गांव वालों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि लोग दिल्ली में भी जाते हैं, चंडीगढ़ में भी जाते हैं और गुड़गांव में भी जाते हैं। अगर हम तीनों शहरों का कंपैरिजन करें तो आपको गुड़गांव में दिखेगा कि यहाँ लॉलेसनेस और ट्रैफिक वायलेशंस ज़्यादा हैं। आप देखो, कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता, कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता, हर कोई ये कहता है गुड़गांव में तो बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई मानता नहीं। तो ये एक बहुत शर्म की बात है। इस जो ये जो हमारे बारे में लोगों ने भावना बना रखी, इसको हमने हटाना है। इस मौके पर एनजीओ संचालकों ने कहा कि उनका मकसद लोगों को सुरक्षित बनाना है और लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देना है ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके और लोगों को सुरक्षित बनाया जा सके। हर साल सड़क हादसों की भेंट हजारों लोग चढ़ जाते हैं जिसमें कईयों की मौत हो जाती है और कई लोग अपाहिज हो जाते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में हर साल हजारों सड़क हादसे सामने आते हैं। राज्यवार सड़क हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2016 में दिल्ली में करीब 7,375 सड़क हादसे हुए। 7,375 सड़क हादसों में 1,591 लोगों की मौत हो गई। बात करें हरियाणा की तो 2016 में हरियाणा में 11,234 सड़क हादसे हुए। 11,234 सड़क हादसों में 5,024 लोगों की मौत हो गई। इसी साल पंजाब में करीब 6,952 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 5,077 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2017 में भी इसी तरीके के आंकड़े सामने आए। औसतन रोजाना लगभग 29 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग यातायात नियमों को ताक पर रखकर अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में गुरुग्राम से शुरू हुई पहल एक सकारात्मक सोच है जो लोगों को जागरूक कर इन हादसों पर कहीं न कहीं रोक लगाने का काम करेगी। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।